प्यारे विद्यार्थियों, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सेमीकंडक्टर डायोड को हम डिस्कस कर रहे हैं, अब तक करते आ रहे हैं। आज लेक्चर 5 में सेमीकंडक्टर डायोड में हम लोग डायोड इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में समझेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पीएन जंक्शन डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझा। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा कि जब डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं, पी को पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो नी वोल्टेज से पहले तक डायोड में कोई भी कंडक्शन नहीं होता है। और नी वोल्टेज वीटी के बाद यदि वोल्टेज में थोड़ी सी भी वृद्धि की जाए तो डायोड में अचानक से धारा का मान बढ़ने लगता है और इस प्रकार से डायोड फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है। ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। और साथ ही देखा कि रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर की मोटाई बहुत अधिक हो जाती है, जिससे मेजोरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाते, तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण कोई भी करंट फ्लो नहीं होती, बट माइनॉरिटी कैरियर के कारण माइक्रो एम्पीयर रेंज की रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होती है, जो कि यहाँ बहुत कम शो कर रखी है। तो ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को लास्ट 4 लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज इसी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स से डायोड के इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में समझेंगे कि डायोड को हमें प्रैक्टिकल यूज के लिए लेना है, उसको गणितीय विश्लेषण के लिए उसका सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट देखना है तो किस प्रकार से हम देखेंगे। तो हमने डायोड इक्विवेलेंट सर्किट को 2 भागों में विभक्त किया है, तो सिंप्लीफाइड मॉडल है और एक आइडियल मॉडल है। इसी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को हम दोनों ही मॉडल में देखेंगे। तो प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए और एक्चुअली डायोड कैसे बिहेव करता है उसके लिए हमने एक सिंप्लीफाइड मॉडल लिया है। इसमें इसी कैरेक्टरिस्टिक्स का लीनियर मॉडल कि इस कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स को ही यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन फॉर्म में देख लिया और यहाँ पर VT = 0.7 वोल्ट सिलिकॉन डायोड के लिए है। तो हम कह सकते हैं कि सिंप्लीफाइड मॉडल में हम इस डायोड को एक 0.7 वोल्ट की बैटरी और डायोड रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। ये 0.7 वोल्ट की बैटरी शो कर रही है कि 0.7 वोल्ट तक डायोड में कोई भी कंडक्शन नहीं हो रहा है, उसके बाद ही कंडक्शन स्टार्ट होता है। तो इस फॉरवर्ड बायस में जब पी पॉजिटिव से कनेक्टेड है और नेगेटिव से कनेक्टेड है, उस कंडीशन में डायोड को हम एक स्मॉल वैल्यू के ए डायोड रेजिस्टेंस जिसके साथ में एक 0.7 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड हो उससे रिप्लेस कर सकते हैं। साथ ही हमने देखा कि रिवर्स बायस में डायोड में धारा बहुत कम फ्लो होती है, मींस करंट की वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब डायोड का रेजिस्टेंस बहुत हाई है। तो रिवर्स बायस में एक्चुअल डायोड के लिए हम जब पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो एक वेरी लार्ज रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि मेगा ओम की रेंज का होता है। तो ये बात होगी सिंप्लीफाइड मॉडल में। इसमें डायोड को हम बहुत से नाम से जानते हैं, रियल डायोड, प्रैक्टिकल डायोड, एक्चुअल डायोड। एक और कंडीशन आती है आइडियल डायोड। इसका यूज आता है कि जब डायोड का सर्किट एनालिसिस करना हो, गणितीय विश्लेषण करना हो, उस समय हमें आइडियल मॉडल की जरूरत पड़ती है। तो आइडियल मॉडल में हमने कहा, प्रैक्टिकल मॉडल में कहा कि अप्लाइड वोल्टेज नी वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए, बट आइडियल मॉडल में कहते हैं कि जैसे ही फॉरवर्ड बायस कर दें, फॉरवर्ड बायस मतलब पी पॉजिटिव कर दो, एन को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो, तो जैसे ये कर देंगे डायोड में कंडक्शन स्टार्ट हो गया। हमने मतलब इस वीटी को फॉर द कन्वीनियंस पर्पज हमने इसको जीरो कर दिया है, तो ये डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स इधर की तरफ शिफ्ट होके आइडियल फॉर्म में आ गई है। और रिवर्स बायस में हमने कह दिया कि डायोड में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। तो हम यदि आइडियल डायोड का फॉरवर्ड कंडीशन और रिवर्स कंडीशन में देखें तो फॉरवर्ड बायस में वो एक परफेक्ट कंडक्टर की भांति काम करेगा, मींस जैसे ही वोल्टेज अप्लाई किया, फॉरवर्ड बायसिंग की, करंट फ्लो स्टार्ट। इट लाइक बिहेव लाइक अ परफेक्ट कंडक्टर, मींस इसका सर्किट इक्विवेलेंट में इसको शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। और शॉर्ट सर्किट में ऑन स्टेट, स्विच की ऑन स्टेट को शो करता है, तो इसको फॉरवर्ड बायस में इस फॉर्म में हम समझ सकते हैं। रिवर्स बायस में हम देख रहे हैं कि कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, जीरो करंट, मींस वेरी हाई रेजिस्टेंस, मींस ओपन सर्किट, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस।
इट्स बिहेव लाइक ए परफेक्ट इंसुलेटर, मीन्स ओपन सर्किट और स्विच की स्टेट की बात करेगा तो ऑफ स्टेट की बात ये बिहेव करेगा। तो यहाँ पर हमने आदर्श परिस्थितियाँ आइडियल कंडीशन में डायोड कैसे बिहेव करता है उसका चित्रण कर रखा है। तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में डायोड को यदि रिप्लेस करना है सर्किट एनालिसिस पर्पस से तो सीधा शॉर्ट सर्किट, एससी मतलब शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट। तो रिवर्स बायस में ओपन सर्किट और फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये दोनों टर्मिनल ओपन सर्किट हो गए। तो हम कह सकते हैं कि डायोड में करंट पी टू एन एक ही दिशा में बह रही है और एन टू पी कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ डायोड। एक दिशिक चलन है, यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी, और इसी प्रॉपर्टी का यूज रेक्टिफायर बनाने के लिए काम में आता है, जो कि पावर सप्लाई ई जो बैटरी एलिमिनेटर है, पावर सप्लाई है, डीसी पावर सप्लाई का हर्ट है, उसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आइडियल डायोड के बारे में दो पॉइंट जानना यहाँ बहुत आवश्यक है कि आइडियल डायोड एक स्विच की भांति काम करता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, जहाँ पर 1010 बाइनरी को शो करने में डायोड बहुत हेल्पफुल है। सारे डिजिटल सर्किट्स में डायोड का बहुत उपयोग किया जाता है। और एक चीज़ यहाँ बताने लायक है कि वास्तव में कोई भी डायोड आइडियल डायोड नहीं होता है। कोई भी चीज़ की आइडियल कंडीशन सिर्फ कन्वीनियंस के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, गणितीय विश्लेषण और चीज़ों को आसान बनाने के लिए इसकी परिकल्पना की जाती है, यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है। तो ये होगी आइडियल डायोड के बारे में जानकारी। अभी हमने कहा कि डायोड की यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी का उपयोग रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है। तो पावर सप्लाई की बात करें, इंडिया में यदि हम पावर सप्लाई की बात करें या वर्ल्ड में, तो दो प्रकार की पावर सप्लाई हमारे सामने अवेलेबल है, एसी पावर सप्लाई और डीसी पावर सप्लाई। एसी पावर सप्लाई इंडिया में 220 वोल्ट आरएमएस पे और 50 हर्ट्ज पे अवेलेबल है और ये सब जगह अवेलेबल है, इसकी यही खास बात है। दूसरी पावर सप्लाई की बात करें तो ये डीसी पावर सप्लाई है। बहुत से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रहते हैं जिसके ऑपरेशंस के लिए डीसी पावर सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए हम ड्राई बैटरीज को काम में लेते हैं, बट उसकी भी लिमिटेशन है, उसकी हैंडलिंग के इश्यूज रहते हैं, अवेलेबिलिटी का इश्यूज रहता है लिमिटेशंस के कारण। तो हमें एक ऐसी डिवाइस की आवश्यकता है जो एसी मेंस को, एसी सप्लाई को और रिक्वायरमेंट पड़ने पे डीसी के रूप में हमें कन्वर्ट करके दे, क्योंकि एसी मेंस की अवेलेबिलिटी सब जगह है। तो बैटरी एलिमिनेटर ने क्या किया है, ड्राई सेल्स को रिप्लेस किया। अब बैटरी एलिमिनेटर क्या करता है, एसी मेंस को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब इस पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई को कन्वर्जन का यदि ब्लॉक डायग्राम की चर्चा करें तो इस टाइप का कुछ ब्लॉक डायग्राम होगा कि एसी मेंस आएगी ट्रांसफार्मर से होते हुए रेक्टिफायर में, तो ये पूरा सेक्शन रेक्टिफायर सेक्शन कहलाता है। रेक्टिफायर के आउटपुट को हम फिल्टर से पास करते हैं, फिल्टर के आउटपुट को रेगुलेटर से पास करते हैं, उसके बाद जो हमें सप्लाई मिलेगी वो रेगुलेटेड सप्लाई होगी। तो देखिए कि रेक्टिफायर एसी मेंस का एक एग्जांपल है, इंडिया में साइनोसोडल वेव V=Vm sin ωt आप लोगों ने सुना होगा। तो ये साइनोसोडल वेव है जो कि बाई डायरेक्शनल, जो दोनों दिशा पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों साइड में काम एक मूवमेंट करती है, बाई डायरेक्शनल है। तो ये बाई डायरेक्शनल एसी मेंस जब रेक्टिफायर पे यहाँ मिलेगी और इसकी यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी से इसका संचालन होगा, तो रेक्टिफायर क्या करेगा, इस बाई डायरेक्शनल करंट को यूनिडायरेक्शनल करंट पे कन्वर्ट कर देगा। मींस अब हम यहाँ पर रेक्टिफायर को डिफाइन कर सकते हैं कि रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो बाई डायरेक्शनल एसी मेंस या बाई डायरेक्शनल करंट को यूनिडायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट करता है। दिस इज द फाइन लाइन डेफिनेशन ऑफ रेक्टिफायर। इस यूनिडायरेक्शनल, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें, यूनिडायरेक्शनल करंट में एसी कंपोनेंट होते हैं, अनवांटेड एसी कंपोनेंट होते हैं जिसे रिपल्स कहते हैं, उनको हटाना बहुत जरूरी होता है। तो उनको रिपल के थ्रू हटाया जाता है और उसके बाद भी कुछ मात्रा में अभी भी ये पोल डीसी नहीं रहती है, तो उसको रेगुलेटर से पास करते हैं तो हमें यहाँ पर करीब करीब प्योर डीसी मिलती है। तो हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में रेक्टिफायर को डिटेल में देखेंगे।
दो प्रकार के रेक्टिफायर हमारे सामने मौजूद होंगे, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में भी दो कैटेगरी है, एक तो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, दूसरा ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। इनके सर्किट को हम अच्छे से समझेंगे, इसका गणितीय विश्लेषण करेंगे, इनकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे, इनके रिपल फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे, और फिर इन तीनों को आपस में कंपेयर करेंगे कि कौन सा रेक्टिफायर हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। तो ये सा आज का लेक्चर सेमीकंडक्टर डायोड की इक्विवेलेंसी सर्किट एंड इसके पावर सप्लाई में रेक्टिफायर की यूज और मेन प्रॉपर्टी यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ डायोड पे कॉन्सेंट्रेटेड था। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट 6 लेक्चर में हम रेक्टिफायर के डिविजन्स को अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।